आज इंडियन बैग ड्रोन 3D गेम के अंदर होने जा रही है बहुत ही खतरनाक फाइट, एक जॉइंट गॉडजिला वर्सेस एक सुपर जॉइंट डायनासोर के साथ। आखिर ये गॉडजिला डायनासोर आया कहाँ से, और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डायनासोर को मार दिया था, और आखिर ये डायनासोर जिंदा कैसे हो गया, तो आज हम लोग जाने वाले इंडियन बैग ड्रोन 3D के अंदर एक सीक्रेट काम के अंदर, और उस काम के अंदर हम लोग जाकर एक सीक्रेट बेबी गॉडजिला को ढूंढने वाले हैं। क्या हम उस बेबी गॉडजिला को ढूंढ पाएंगे? अगर हम ढूंढ पाएंगे तो हम इतने बड़े गॉडजिला को बना पाएंगे, इस बेबी गॉडजिला इतने की उस जॉइंट डायनासोर के बड़ा होकर उसे फाइट करके उसे भगा सकता है, और आखिर में होगी ब्लैक गॉडजिला के साथ में ब्लैक डायनासोर के बीच में फाइट। तो आखिर में होगी ब्लैक डायनासोर और ब्लैक गॉडजिला के साथ फाइट, तो देखते हैं कौन जीतता है। एक बार की बात है, इंडियन बैग ड्रोन 3D के सीक्रेट रास्ते से ब्लैक डायनासोर आया करता था। ब्लैक जॉइंट डायनासोर इतना बड़ा था कि एक ही पैर के अंदर इंडियन बैग ड्रोन 3D के एक बिल्डिंग उसके पैर के नीचे दब जाती थी। डायनासोर जुरासिक पार्क के अंदर इसलिए आता था कि जितने भी छोटे छोटे डायनासोर है उनको वो खा सके, जैसे कि वो जो छोटे छोटे डायनासोर थे टीरेक्स, ये ब्लैक व्हाइट जितने भी डायनासोर थे वो सबको खा लेता था, और सबको खाने के बाद वो जुरासिक पार्क के रास्ते इंडियन बैग ड्रोन 3D के एक बहुत ही बड़े सिटी के अंदर अपना पहला कदम रखना शुरू कर देता है। आखिरकार वो सिटी के अंदर क्या करने वाला है जिसके बाद फ्रैंकलिन की नींद उड़ने वाली है, तो हम देखने वाले हैं कि फ्रैंकलिन ये सुपर जॉइंट डायनासोर को रोक पाता है कि नहीं। अरे यार ये कैसा सपना था यार भाई, ये क्या सुन लिया मैंने, ये नहीं हो सकता। वो सुपर ब्लैक जॉइंट डायनासोर अपने सिटी के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है, उसको तो हमने पहले ही मार दिया है। ओ भाई साहब, इसका मतलब वो सपना नहीं, वो एक हकीकत था। ये देखो गाइस, अपना जो गेट था ना वो टूट चुका है, और इतना भारी भरकम गेट वो किसी इंसान के मान का नहीं है गाइस। तो गाइस जो मैंने अभी सपना देखा कोई सपना नहीं था, वो एक, तो फिलहाल मुझे एयरपोर्ट जाना है गाइस। वेट, ये रोड बंद क्यों है यार आज? अरे यार एयरपोर्ट वाले रोड को आज ही बंद होना था क्या? चलो एक काम करते हैं, ये साइड वाले रोड से निकल जाते, ये रोड भी एयरपोर्ट ही जाए। तो गाइज हम लोग एयरपोर्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लेन लेना है, और प्लेन लेकर मैं एक टॉप सीक्रेट सिटी के अंदर जाए, और उस सिटी के अंदर है एक छोटा सा गाँव, और उस छोटे से गाँव के अंदर एक है छोटा सा बेबी, बहुत ही प्यारा सा गॉडजिला, और उस बेबी को अपने घर लाना होगा, उसे सुपर तगड़ा मोटा करना होगा, और हम लोग फिर उससे लड़ाएंगे ब्लैक जॉइंट डायनासोर से। ओ भाई साहब ये देखो गाइस, पूरा आसमान फाइटर जेट से भर चुका है, यानी कि वो सुपर जॉइंट ब्लैक डायनासोर अपने सिटी के अंदर कदम रख चुका है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो भारी तबाही करने वाला है सिटी के, तो जल्दी से चलते हैं वो सीक्रेट गांव के अंदर और अपने बेबी गॉडजिला को अपने घर लेकर आते हैं। तो ओके गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और ये रहा अपना प्लेन, और इसी प्लेन से हम लोग जाएंगे उस सिटी के अंदर। तो गाइस वो जो सिटी है ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। अरे यार ये सेकेंड पायलट भी नहीं है, तो आज मुझे ये प्लेन चलाना पड़ेगा, और मैं ही ले चलता हूँ आपको, और जो आसमान में जेट उड़ रहे हैं ना उनसे मुझे बहुत ही संभल के रहता है। अगर मेरा प्लेन उनसे टकरा जाता है तो उनका फाइटर जेट और मेरा प्लेन दोनों ही ब्लास्ट हो सकता है, तो इनसे भी बच के रहना पड़ेगा गाइस। तो गाइस मैं आपको बता रहा था ना कि वो जो सिटी है ना, पानी के अंदर जाने के बाद समुद्र का जो एच होता है ना उसको पार करने के बाद वो सिटी हम, और मैं आपको वहीं पर लेके जा रहा हूँ। और गाइस अगर आप उस गांव को देखोगे ना तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा वो गांव, तो जल्द, और उस गांव के अंदर अपना एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा घर है गाइस, और उस घर के अंदर ही मैंने एक बार छोटे, और इसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हमको उस बेबी को अपने घर पे लाना है, और उसको बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन, और गाइस हम लोग को पता ही है कि उसकी जो पावर है न्यूक्लियर वेपन से ही उसकी पावर। तो गाइस ये देखो रास्ता, और मैं आ चुका हूँ, और मैंने जंप मार दिया, और मिलते हैं आपको उस सिटी। और गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, ये रहा अपना प्यारा सा गांव, और इसी गांव में अपना ये प्यारा सा छोटा सा, तो चलो फटाफट से अपने बेबी गॉडजिला को ढूंढते हैं और अपने घर को लेकर। यार मैं ना भाई कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल, यार इसके अंदर तो इस बैकेट में भी नहीं है यार, ये पूरा खाली पड़ा है, कहीं पे भी नहीं, घर के ऊपर भी कोई नहीं है, एक काम करते पीछे की तरफ भी कोई नहीं है, पानी के अंदर। ओके घर तो पूरा लॉक पड़ा है, और मेरी गन भी यही, तो ये है गाइस शॉट गन, और इसकी बुलेट्स भी मैंने,
तो गाइस घर तो पूरा लॉक पड़ा है, घर के अंदर नहीं है, कहीं गाड़ी के अंदर तो नहीं? नहीं यार, यहाँ पे तो सिर्फ बुलेट्स पड़ी है, यहाँ पे नहीं है। अरे यार कहाँ पे चला गया? यहाँ पे भी नहीं है। ओके वेट, ये पोस्टर किसने लगा दिया भाई? टाइप्स ऑफ बियर्स, वेट ये क्या भाई, कहीं उसे बियर्स ने खा लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही पावरफुल गॉडज़िला है भाई, इतना जल्दी उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन भाई वो गया कहाँ पर यार? लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा। ओ ये रहा गाइस, ये देखो भाई साहब, कितना प्यारा बच्चा है यार, ये कितना छोटा बच्चा है यार ये, तो चलो इसको उठा कर लेके चलते है। ये देखो कितना प्यारा सा रोर कर रहा है, आजा बे गॉडज़िला कहाँ जाएगा। तो फाइनली गाइज हमको अपना प्यारा सा छोटा सा गॉडज़िला मिल चुका है, तो इसको हम अपने घर पे ले जाने वाले हैं और इसको हम लोग बहुत सारा खाना खिलाएंगे रेडिएशन वाले, और इसको हम लोग बहुत ही पावरफुल बनाएंगे गाइज, और इसकी फाइट हम लोग कराएंगे उस ब्लैक जॉइंट डायनासोर से। तो चलो इसको लेकर चलते हैं अपने घर पे। तो ये मैं चला अपने बेबी गॉडज़िला के साथ अपने घर के तरफ। तो गाइज काफी लंबी जर्नी थी, तो मैं अपने बेबी गॉडज़िला के साथ अपने एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। आज मुझे काफी स्मूथ लैंडिंग करनी है, क्योंकि आज मेरा टेस्ट भी है गाइज। तो मुझे अपने प्लेन को एक हाई टच नहीं देना है, मुझे अपने प्लेन को एकदम स्मूथ उतारना है गाइस। ये आ चुका है रनवे और मैंने अपने प्लेन को पूरा स्लो कर दिया गाइस। तो आ गया, ये क्या चीज है गाइस? राइट, ये बच गया। तो गाइस मैंने फाइनली ये तो पास कर दिया है और मुझे अभी घर पे चलना होगा। तो ये अपना जो बेबी गॉडज़िला है ना गाइस, वो काफी भूखा है और ये कहीं अपना गाड़ी ब्लास्ट ना कर दे, इसलिए हम उसको अपने घर पे छोड़ के आते हैं। ये देखो गाइस कितने दिनों बाद ये मुझे मिला है और ये मुझे ना कुछ एक्टिंग करके बता रहा है। ये ना गाइस काफी प्यारा लग रहा है और इसके छोटे छोटे पांव बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और ये ना गाइस जब बहुत बड़ा होगा ना तो बहुत ही डेंजर लगेगा। देखो गाइस ये ना अपना कलर चेंज कर दिया है और ये आ चुका है खतरनाक मूड के अंदर। भाई ये छोटा बच्चा है लेकिन भाई ये बहुत ही गुस्से वाला है। ये देखो इसकी रोर, देखो क्या ही छोटी सी प्यारी सी रोर कर रहा है। ये ना भाई कुछ भी नहीं है, ये ना अपने पोंछ से ना ऐसे ऐसे वार करता है, ये अपने पोंछ से बहुत सारे बिल्डिंग को तोड़ सकता है। तो मुझे अपने घर का भी ध्यान रखना होगा, और बाकी हम लोग फटाफट से चलते हैं और इसके लिए खाना लेकर आते हैं। तो ऑल राइट गाइज, वो समय आ चुका है, अब मैं अपने बेबी को खाना खिलाने वाला हूँ। तो ऐसे जगह चलते हैं जहाँ पे बहुत सारा गैस टैंक पड़ा हुआ है। हाँ गाइज आपने बहुत सही सुना, हम लोग ना इसे गैस टैंक खिलाने वाले हैं। हाँ गाइज ये रेडिएशन से ही काम करता है और ये जितना ज्यादा खाना खाएगा उतना ही खतरनाक और बड़ा होता जाएगा। तो फटाफट से उस जगह पे चलते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में पार करके गाइज इस बेबी गॉडज़िला के लिए खाना लेकर आऊंगा और इसे बड़ा करूंगा और उस टीरेक्स डायनासोर से लड़ाऊंगा और देखते हैं कौन जीतता है गाइज। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय गाइज।